health and fitness, nutritional information, beauty tips और regular product के video देखने के लिए our Enduser book के लाल subscribe button पे click कीजिए और हर एक video की notification पाने के लिए bell icon को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रॉयन और आप देख रहे हैं आवर एंड्यूजर बुक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यूट्रोजीनिया का अल्ट्रा सेयर सनस्क्रीन। तो इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने से पहले लोगों के मन में कुछ सवाल आता है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सनस्क्रीन कौन यूज़ कर सकता है? सनस्क्रीन हर कोई यूज़ कर सकते हैं, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, कोई भी यूज़ कर सकता है। सनस्क्रीन कब यूज़ करना चाहिए? होल द ईयर। सनस्क्रीन यूज़ करने का कोई ऐसा मौसम नहीं है कि आप गर्मी के मौसम में यूज़ कर रहे हैं, सर्दी में ना करें, ऐसा नहीं है। आपको सनस्क्रीन होल ईयर यूज़ करना चाहिए क्योंकि सन रे में UVA और UVB होता है जो हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। टैन ही नहीं, सिर्फ और भी स्किन में जो प्रॉब्लम होता है जैसे रीचिंग, एसेस, इवन स्किन कैंसर, स्किन में जलन, ये सब होता है UVA और UVB रे की वजह से। परमानेंट आपकी स्किन सेल डैमेज हो सकता है अगर आप ज़्यादा देर तक सन में स्टे करते हैं। तो यहाँ पे है न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा सेयर ड्राई एंड टच सनब्लॉक SPF 15। तो व्हाट इज़ SPF 15? SPF 50 का मतलब क्या है? हम अक्सर सनस्क्रीन में देखते हैं SPF 50, SPF 40, SPF 30। SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। यहाँ पे 50+ मतलब एज ए नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन में आप जितना देर तक सन में स्टे कर सकते हैं उसके मुकाबले में 50 गुना ज़्यादा टाइम आप सन में स्पेंड कर सकते हैं ये प्रोटेक्शन लेने के बाद। तो इसलिए इसको SPF 15 कहा गया है। तो नॉर्मल स्किन के मुकाबले में 50 गुना ज़्यादा वक्त आप सन रे में रह सकते हैं और ये सनस्क्रीन आपको UVA UVB से प्रोटेक्शन देगा। सनस्क्रीन खरीदने के बाद एक चीज़ आप देख लेना, जैसे कि SPF कितना हाई है और यहाँ पे PA के बाद कितना ज़्यादा प्लस है। जितना ज़्यादा यहाँ पे प्लस होगा उतना ही आपका सनस्क्रीन ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है सन रे को। न्यूट्रोजीना एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस ब्रांड है वर्ल्ड वाइड और इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। यहाँ पे एक्चुअली है क्या, कंपनी की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर बताऊँगा मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे लिखा गया है हीलियोप्लिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB, मतलब ये क्रीम UVA और UVB को 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं विथ हीलियोप्लिक्स। ये कंपनी का लैंग्वेज है लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा गया है अल्ट्रा लाइट और क्लीन फील। ये अल्ट्रा लाइट और क्लीन फील देता है, यहाँ पे स्किन को ये सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ लुक्स देता है, इवन वाटरप्रूफ। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटरप्रूफ, ये कितना वाटरप्रूफ है? देखिए ये फ्लैश रेजिस्टेंस है, जैसे कि गलती से किसी हाथ धो रहे हैं या क्या मुंह में पानी लग गया थोड़ा तो ये इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मगर ऐसा मत सोचिए आप नहाने के बाद तैर रहे हैं तो ये क्रीम लगा लिया तो बस वाटरप्रूफ हो गया, ऐसा नहीं है, ये क्रीम धो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसका जो वेट है ये 30 ग्राम है, मैं हमेशा छोटा फाइल खरीदता हूँ 30 ग्राम, और इसका जो प्राइसिंग है 199 रुपीज़। मगर ऑनलाइन स्टोर से अगर आप परचेस करते हैं तो 10-20 रुपये की छूट आपको मिल सकता है, जिसका बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली लिखा क्या गया है, यहाँ पे लिखा गया है वही सामने वाला बात, यहाँ पे अल्ट्रा सेयर ड्राई एंड टच क्रीम है जो UVA और B को प्रोटेक्ट करते हैं, वाटरप्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, और यहाँ पे ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये ऑयल फ्री भी है। ये इसका जो कंपनी का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है और डायरेक्शन हाउ टू अप्लाई, आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए किसी भी क्रीम को अप्लाई करना है तो मेरा जो सलाह है आप रोटेट मोशन में अप्लाई कीजिए, और सनस्क्रीन को यूज़ करना है तो कम से कम 10 मिनट पहले आप सनस्क्रीन को लगा लीजिए बाहर जाने से पहले। कंपनी के यहाँ इंस्ट्रक्शन है 15 टू 30 मिनट पहले आप इसको अप्लाई कीजिए, आपकी स्क्रीन, फेस, नेक, जहाँ भी खुला जगह है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं जो प्रिवेंट कर सकता है
सन से, और यहाँ पे कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन यहाँ पर लिखा गया है। ये जो सनस्क्रीन, इसका जो खासियत है, ये इम्पोर्टेड है, ये इंडिया में नहीं बनता है, यहाँ पे ये कोरिया से लाया गया है, जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से ये सनस्क्रीन है। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस ब्रांड है जॉनसन एंड जॉनसन, यूएसए का ब्रांड है, यहाँ पे यूएसए लिखा गया है, और जो ये मैन्युफैक्चर हुआ है ये कोरिया में हुआ है। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए पहले आप शॉप से खरीदते हैं या ऑनलाइन स्टोर से खरीदते हैं, तो सबसे खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक सील नज़र आएगा, जैसे कि ये सील है एल्युमिनियम फॉयल का सील, तो ये सील को आप यहाँ से खोल सकते हैं, जैसे अभी मैं खोल लिया। और इसके बाद आप इसको ऐसे करके हाथ में लीजिए, आप देखिए ये क्रीमी फीलिंग देता है, बहुत ही क्रीमी सा इसका फीलिंग्स है। और मैं जो कह रहा था, हमेशा रोटेट मोशन में, अगर फेस में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे करके पहले अप्लाई कीजिए, फिर इसको ऐसे रोटेट मोशन में स्किन में अप्लाई कीजिए, ताकि ये स्किन में अच्छी तरीके से समा जाए। तो अब देखिए ये आसानी से स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया, और ऊपर में एक ग्लॉसी स्मूथ लुक्स आपको दे रहा है, यानी यहाँ पर चमक आ गया थोड़ा, और इसका जो क्लीन फीलिंग्स है ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में। तो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ठीक इसी तरीके की फीलिंग्स आपकी फेस में होगा, मगर इसका जो कंपनी का दावा है, इस दावे के साथ मैं 100% सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये क्रीम थोड़ा ऑयली है, जिनका स्किन हाई ऑयली है, ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है स्किन में, तो उनके लिए मैं ये सनस्क्रीन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली लगता है। अब देख सकते हैं मेरे हाथ को कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्लो हो रहा है, चमक आ गया। अरे ये वाटरप्रूफ है, थोड़ा सा यहाँ पे पानी लग जाए तो ये क्रीम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये यहाँ पे ही रह जाता है, मगर ज़्यादा अगर आप धो रहे हैं, हैंड वॉश से धो रहे हैं, तो यहाँ पे क्रीम बिल्कुल उठ जाएगा। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है, ये क्रीम आप 15 से 20 मिनट पहले आपकी स्किन में अप्लाई कीजिए, और जो जिसका स्किन हाई ऑयली है और उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये क्रीम नहीं है, ये जेल नहीं है। अब सवाल लोगों के मन में उठता है, क्या ये क्रीम लगाने पे कोई इचिंग, कोई रैसेस, कोई स्किन प्रॉब्लम होता है? देखिए मैं इसका 2 फाइल यूज़ कर चुका हूँ, ये नंबर 3rd है। 2 फाइल यूज़ करने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल तो महसूस नहीं हुआ है। आपको अगर कुछ ज़्यादा पूछना है तो यहाँ पर उनका कस्टमर केयर का नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप उनसे बेशक पूछ सकते हैं, आप नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। रही बात स्किन की स्मेल की, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक मीठा सा फीलिंग्स देता है, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है ये इस क्रीम की फीलिंग्स। आप चाहे तो दूसरे सन प्रोटेक्शन क्रीम भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि लोटस का SPF 15 जेल बहुत ही अच्छा है, जिसका रिव्यू आपको ऊपर कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे चैनल में है, हज़ारों लोग देख चुके हैं, आप चाहे तो उसको टैली कर सकते हैं। जो ऑयली स्किन जिनका प्रॉब्लम है, ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होता है, वो लोटस का जेल ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है क्रीम है। तो आज की रिव्यू में इतना ही था। और एक बात है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपायरी डेट है, आप देख सकते हैं ये 2017 है, और इसका जो एक्सपायरी डेट है 2020, और इतना वक्त तक चल सकता है, मगर एक बात है, आप एक बार क्रीम को अगर ओपन कर ले तो 6 मंथ के अंदर इसको यूज़ कर लेना ही बेहतर होगा। कुछ सवाल है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका सवाल डाल सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, और आप नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे मन मोबाइल बढ़ाने के लिए। मैं आयन आपसे विदा लेती हूँ, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी इसी चैनल में। नमस्कार।